नमस्कार दोस्तों, विवेक टीम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर सैमसंग के दो डिवाइस, सैमसंग गैलेक्सी A10s और A2 कोर। मैं करूँगा दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट। वैसे स्पीड टेस्ट बनता नहीं है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन A2 कोर का प्रोसेसर काफ़ी जानदार है, इसीलिए मैंने सोचा स्पीड टेस्ट आपको करके दिखाऊँ। तो दोस्तों चलते हैं दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर सेक्शन में और देखते हैं हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन दोनों ही फ़ोन की क्या क्या कहती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, A2 कोर जो वर्क करता है वो चलता है गो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ओरियो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और UI सैमसंग A10s में 1 है और एंड्रॉयड वर्जन 9.5 यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस भी यहाँ पर है, ये देख लीजिए आप। और ओरियो आपको मिल रहा है A2 कोर में और A10s में मिल रहा है आपको 5। प्रोसेसर की अगर बात करें तो एक्जीनोस का 7870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको मिल रहा है A2 कोर में, जो कि वर्क करता है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जिसकी 8 कोर है 1.6 GHz कॉर्टेक्स A53 की और माली T830MP1 मिल रहा है आपको इसमें GPU। वहीं A10s की बात करें तो इसमें मिलता है आपको हीलियो का P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, ये वर्क करता है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर और इसकी 8 कोर है 2 GHz कॉर्टेक्स A53 की और पावर VR GE8320 यहाँ पर आपको मिल रहा है GPU। साथ ही A10s में 2GB रैम है और A2 कोर में आपको मिल रही है 1GB रैम। तो ये हो गए दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में ये 6-6 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं और मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा और देखते हैं कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाता है। सबसे पहले बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो बैकग्राउंड पर किसी भी फ़ोन में एक भी एप्लीकेशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम करेंगे अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन एंग्री बर्ड और मैं टैप कर रहा हूँ एंग्री बर्ड पर और देखते हैं किस फ़ोन में कितनी जल्दी यहाँ पर ये लोड होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में चल रही है लोडिंग और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपने देखा दोनों ही फ़ोन में लगभग सेम टाइम में ही ये दो एप्लीकेशन लोड हो चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा कैंडी क्रश और मैंने टैप किया कैंडी क्रश पर और देखते हैं किस फ़ोन में जल्दी यहाँ पर लोड होता है। फिलहाल लोडिंग दोनों ही फ़ोन में चल रही है और आपने देखा ये A10s में थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ, लेकिन A2 कोर भी इतना स्लो नहीं है जितना हमने सोचा था। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा हिल क्लिम और मैंने टैप किया हिल क्लिम पर, आप देख सकते हैं लोडिंग यहाँ भी सेम टाइम में चल रही है और फाइनल परफॉर्मेंस पर देखेंगे किस फ़ोन में ये जल्दी लोड होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं लोडिंग दोनों ही फ़ोन में चल रही है, अब बस फाइनल रिजल्ट का वेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो A2 कोर में ये एप्लीकेशन जल्दी लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू A10s। तो आपने देखा कैसा सस्ता फ़ोन भी अच्छे फ़ोन से ज़्यादा स्पीड आपको दे सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्पेसेट और देखते हैं किस फ़ोन में यहाँ पर जल्दी लोड होता है। फिलहाल दोनों ही फ़ोन में लोडिंग चल रही है और ये भी A2 कोर में जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू A10s, इसमें भी A2 कोर ने बाजी मार ली। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्नाइपर 3D और मैं टैप कर रहा हूँ स्नाइपर 3D पर और देखते हैं ये किस फ़ोन में जल्दी यहाँ पर लोड होता है। फिलहाल दोनों ही फ़ोन में लोडिंग चल रही है और फाइनल रिजल्ट देखेंगे किस फ़ोन में जल्दी लोड होगा। तो अभी लोडिंग चल रही है और आप देख सकते हैं A10s में ये एप्लीकेशन जल्दी लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू A2 कोर, लेकिन इतना लेट भी नहीं है A2 कोर प्राइस अकॉर्डिंग। लास्ट एप्लीकेशन हमारा टेम्पल रन 2 और मैं टैप कर रहा हूँ टेम्पल रन 2 पर और देखते हैं किस फ़ोन में ये जल्दी यहाँ पर लोड हो पाता है। फिलहाल दोनों ही फ़ोन में चल रही है लोडिंग और फाइनल रिजल्ट देखेंगे किस फ़ोन में ये जल्दी लोड होगा। लोडिंग दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम में लगभग चल रही है और दोनों ही फ़ोन में ये एप्लीकेशन सेम टाइम में ही लोड हुआ है। तो आप देख सकते हैं तो मैंने 6 एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में लोड करे, एक एप्लीकेशन ऐसा था कैंडी क्रश जो कि A10s में जल्दी लोड हुआ था, बाकी 3 एप्लीकेशन A2 कोर में जल्दी लोड हुए और एक एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम में लोड हुआ। तो A2 कोर 5000 रुपये का एक सेट है, लेकिन क्योंकि उसमें प्रोसेसर आपको अच्छा मिल रहा है इसलिए वो A10s को स्पीड के मामले में पूरी टक्कर दे रहा है। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो A10s में 2GB रैम है और A2 कोर में 1GB रैम है। तो देखते हैं किस फ़ोन की रैम पर कितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में अभी भी बने हुए हैं। चलिए चलते हैं अपने रैम मैनेजमेंट की तरफ। फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारा एंग्री बर्ड और मैं टैप कर रहा हूँ एंग्री बर्ड पर और देखते हैं किस फ़ोन में ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड से ये हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा कैंडी क्रश और देखते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं A10s के बैकग्राउंड पर है, A2 कोर के बैकग्राउंड से ये हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा हिल क्लिम और देखते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड से यहाँ से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा कैंडी क्रश के बाद स्मैसेट और मैं टैप कर रहा हूँ स्मैसेट पर और देखते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ है।
तो A10S के बैकग्राउंड पर ये है, जबकि A2 कोर के बैकग्राउंड से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा स्नाइपर 3D, और मैं टैप कर रहा हूँ स्नाइपर 3D पर, तो ये एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन था हमारा टेम्पल रन 2, और देखते हैं ये किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर अभी भी बना हुआ है या दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड से हट चुका है। तो यहाँ पर ये भी A10S के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, यानी कि 6 एप्लीकेशन में से 3 एप्लीकेशन A10S के बैकग्राउंड पर हैं, जबकि 3 हट चुके हैं, और A2 कोर के बैकग्राउंड पर से सारे एप्लीकेशन हट चुके हैं। क्योंकि 1GB रैम है तो रैम मैनेजमेंट तो उसका डाउन होना ही था, लेकिन स्पीड के मामले में उसने पूरी टक्कर दी A10S को। तो यही था मेरा मकसद कि आपको दिखाऊँ कि A2 कोर भी इतना ज़्यादा स्लो नहीं है स्पीड के मामले में। तो फाइनली स्पीड में विन अगर प्राइस अकॉर्डिंग करें तो A2 कोर हो चुका है। ये था हमारा सैमसंग A2 कोर सैमसंग A10S के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।